हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो गाइड। वेल दोस्तों, मार्केट जो है ना बहुत ही अच्छी दिख रही है। स्टिल वी आर बुलिश, बट फॉर द मिड टर्म ऐसे कुछ चार्ट्स हैं बिटकॉइन को और इवन इथेरियम के भी, जो बार बार ना सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहे हैं। अगर उस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक डाउन करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश हो सकती है। लाइक बिटकॉइन 5% से लेके 10% के आसपास डंप कर सकता है। और एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि बिटकॉइन जब भी 5% से 10% का करेक्शन लेता है, भाई ओइंस जो है ना वो तो ऐसे ब्लीड होते हैं साले, जैसे उन्हें कुछ था ही नहीं, मर जाते हैं साले। ठीक है ना, तो अभी विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल टाइम आपके साथ सीधी सीधी बातें करते हैं। ठीक है, राइट नाउ लालच वाला जो इंडेक्स है क्रिप्टो करेंसी का काफी ज्यादा है, 73% के आसपास। ग्रीड जो आज का है 73 है, येस्टरडे भी 73 था और लास्ट वीक 70 के आसपास था। और लेट मी शो यू द चार्ट गाइज ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। और जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीड हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीड हुआ, मार्केट डंप हुई है। बहुत ज्यादा ग्रीड हुआ, मार्केट डंप हुई, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीड हुआ, फिर अगेन मार्केट डंप हुई, ऐसे कई बार हुआ है। और जब डर फैला होता है बहुत ज्यादा मार्केट में, तब मार्केट पंप हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर गाइज, तो जितने भी कॉइन्स हमने आपके साथ शेयर किए, मोस्ट ऑफ दी कॉइन्स जो है ना मोस्टली सिग्नल्स जो है वो प्रॉफिटेबल है। कुछ सिग्नल्स ने 300% का प्रॉफिट दिया है, किसी ने 200% का, किसी ने 100% का, तो किसी ने 5500% का भी प्रॉफिट दिया है। तो गाइज आई विल रिकमेंड यू दैट जो कॉइन्स हमारे सिग्नल्स के थ्रू अबव 100% प्रॉफिट में हैं, उनको ना 50% सेल आउट कर दीजिए और अपना इनिशियल आउट निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ USDT, BUSD, USD। ठीक है ना, तो इसका फायदा ये रहेगा, अगर तो आने वाले 4-5 दिन में या 2 दिन में मार्केट क्रैश होती है, तो आपके पास ना हमेशा USDT फंड होना चाहिए, ताकि आप डिप में मार्केट बाय कर सको। एंड यू नो वेरी वेल कि बोल रहा हूँ तो कंटिन्यू रहने वाला है मिड टर्म के लिए फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 months, तो dips are here to buying opportunity. I hope you get an idea now. चलिए अब charts पर लेकर जाता हूँ सीधे सीधे। As you guys can see that this is the BTC chart on 4-hour basis. तो यहाँ पर ये आप trend line देख रहे हो blue color की, ये जो जा रही है, यहाँ पर एक बार इसने trend line को break किया था to the downside Bitcoin ने, तो फिर यहाँ से retest किया, फिर fail हो गया, फिर यहाँ से गया, तो फिर एक बार fail हुआ, फिर ऊपर retest करके फिर एक बार से fail हुआ, तो काफी बार ये इस trend line को fail किया है Bitcoin ने। But जब इसने breakout किया ना, यार रैली दिखाई है भाई, गजब की रैली दिखाई बिटकॉइन ने। ठीक है भाई, तो अब जो है बिटकॉइन अगेन जो है यहाँ पर एक बार रीटेस्ट कर चुका है ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर दूसरी बार रीटेस्ट कर चुका है, यहाँ पर तीसरी बार रीटेस्ट कर, तो मैक्सिमम बेसिकली 5 बार में, तो 5वीं बार जब भी ट्रेंड को टेस्ट किया जाता है तो ब्रेक डाउन करता ही करता है। ठीक है, उसको यहाँ तो ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पर क्या सीन है, अब यहाँ पर आप देखोगे स्टोकास्टिक चार्ट, यहाँ पर हाईली ओवरसोल्ड राइट नाउ, हाईली ओवरसोल्ड, बट ये 4-hour बेसिस पे है। अगर मैं आपको 1-day चार्ट दिखाऊं, इट्स हाईली, दिस वन इज राइट नाउ इन द मिडल पार्ट, तो बट वीकली की बात की जाए, दिस वन इज हाईली ओवरसोल्ड, हाईली ओवरबॉट, सॉरी गाइस, तो कुछ भी हो सकता है। ये देखिए वीकली पे क्या सीधी कैंडल जा रही है। चलिए अब बैक टू द 4-hour चार्ट। नाउ गाइस कीप एन आई ऑन दिस लेवल, अगर बिटकॉइन ने $60,000 का लेवल ब्रेक किया है, तो $57,000 से लेके $58,000 का सपोर्ट रहने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल। बट रिमेंबर गाइस, अगर बिटकॉइन ने $57,000 का सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दिया ना, मार्केट विल गोइंग टू डंप रियली वेरी हार्ड, स्पेशली दी ओल्ड कॉइन्स ना मरने के लिए तैयार बैठे हैं, पैनिक सेलर्स हमेशा सेल करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। एट दैट टाइम यू विल सी नियर अबाउट 30-50% डंप इन दी ऑल्ट कॉइन मार्केट। तो गाइस USDT अवेलेबल इन योर पोर्टफोलियो, देन दिस इज द टाइम टू ग्रैब सम कॉइन्स। और जो मेजर सपोर्ट रहने वाली है बिटकॉइन की $52,000 के आसपास रहने वाली है, बट आई डोंट थिंक सो कि $52,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस जाएगा, माइट बी $54,000 के आसपास चला जाए, लाइक एक फ्लैश क्रैश देखने को मिले और वहीं से बिटकॉइन रैली ऊपर की तरफ चली जाए, बिकॉज वी आर इन द बुल रन, यहाँ पे शेकआउट्स होते रहते हैं, आई नेवर फॉरगेट। तो मिड टर्म होल्डर्स स्टार्ट बुकिंग योर, एटलीस्ट टेकिंग योर इनिशियल, आकी होल्ड तो करोगे यार। चलिए बात कर लेते हैं इथेरियम की यहाँ पर। अब चलिए इथेरियम से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, बिटकॉइन इज राइट नाउ इन द सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एज अगर यहाँ से ये पंप करता है बिटकॉइन पॉसिबली लाइक दिस, ऐसे जाता है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो गाइस जो टारगेट रहने वाला है, लेट मी शो यू, ये जो टारगेट रहेगा नियर अबाउट फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से ब्रेकआउट करके ये जाएगा बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के आसपास इजिली चला जाएगा भाई। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है ट्रायंगल को, अगर नीचे की तरफ आया, सपोज करो अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाता है, तो भाई नीचे की तरफ फिर तो पक्का कंफर्म हो जाएगा कि मतलब कि 70% चांसेस रहेंगे कि ये नीचे की तरफ ही मूव करने वाला बिटकॉइन का
का प्राइस। तो बिटकॉइन का प्राइस अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो भाई $58,000 जो है वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। रिमेंबर यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दीज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो सपोर्ट ब्रेकडाउन किया तो यू कैन गो शॉर्ट फॉर इट, 3x का शॉर्ट ले सकते हो, टारगेट $58,000 के आसपास और $60,000 को नीचे चला जाता है जैसे। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो, तो 3x का आप लॉन्ग ले लीजिए और टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म का लाइक पहला टारगेट रहेगा $64,000 के आसपास, नेक्स्ट जो रहेगा $66,500 के आसपास। तो यहाँ पर आप टारगेट बना बुक प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ना इथेरियम का 4R का दिस वन इज ऑल्सो हाईली ओवरसोल्ड, बट अगर डेली बेसिस पे बात करूं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हाईली ओवर वीकली पे, दिस वन इज अगेन हाईली ओवरबाउट। तो जब भी लालच भी बहुत ज्यादा है, मार्केट भी यार डेली और डेली फ्रेम और वीकली फ्रेम पे बहुत ज्यादा हाईली ओवरबाउट है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द टाइम टू स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। माइट बी नॉट श्योर, पॉसिबिलिटी है कि एक डंप देखने को मिल सकता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा डंप नहीं होगा, छोटा मोटा डंप देखने को मिलेगा, तो वहीं पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी खरीदने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर एक प्रो टिप, प्रोफेशनल लेवल टिप देता हूँ आपको, Buy the low, sell the high. Buy the bleed, sell the FOMO. Always remember. अब ये देखिए, यहाँ पर तीन तरह के राइजिंग वेज पैटर्न है, एंड यू गाइस नो वेरी वेल, मैंने आपसे कई बार कहा है कि राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है वो 65% चांस होता है कि बिटकॉइन प्राइस जो है वो फॉल डाउन करेगा नीचे की तरफ, 35% चांस होता है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। नो डाउट मार्केट इज रियली रियली वेरी बुलिश। जब तक बिटकॉइन का प्राइस $45,550 से ऊपर रहेगा वी आर बुलिश, बट अगर बिटकॉइन का प्राइस $45,550 से नीचे रहेगा यार बेरिश फॉर द शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पर देखिए, एक ये ब्लू लाइन जा रही है और एक ये वाली ब्लू लाइन, ठीक है, ये दोनों मिला के एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहे हैं, ठीक, एक हो गया, फिर एक ये वाली ब्लू लाइन जा रही है और अगेन एक ये वाली ब्लू लाइन जा रही है, तो ये हो गए दो राइजिंग वेज पैटर्न। अब ये तीसरे वाला देख लीजिए, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, अगर तो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया देन यू कैन गो शॉर्ट विद इट। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन क्लैरिफाई कि अगर इथेरियम का प्राइस जो है यहाँ नीचे जाता है $4,048 कंफर्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे $4,430 पे हिट करता है, समझ लो प्राइस जो है वो फोल्ड डाउन करके सीधा नियर अबाउट $4,290 के आसपास चला जाएगा या $4,300 के आसपास चला जाएगा। बट यहाँ से हो सकता है कि एक पुल बैक देखने को मिले यहाँ ऐसे और इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, अगर तो ब्रेकआउट किया वी आर इन द बुल मार्केट, अगर तो रीटेस्ट करके फेल होता है फिर नीचे की तरफ आता है तो समझ जाना भैया मार्केट नीचे आने वाली है, ठीक है ना, बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको बताया। और हाँ, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, लाइक ऐसे कोई मूव दिखाता है इथेरियम, और इन दिनों में ना ओल्ड कॉइन्स बहुत तगड़े बूम करेंगे क्योंकि इथेरियम एंड बिटकॉइन्स बोथ आर मूविंग इन द साइडवेज, और इस लेवल को ब्रेक करता है लाइक दिस, टारगेट जो रहेगा $4,000 के आसपास रहने वाला है, एंड इसके बाद मोर चांसेस ये रहेंगे कि यहां से ये उड़ जाए और जो नेक्स्ट टारगेट जो जाएगा $5,500 $7,500 $10,000 बाय द एंड ऑफ द बुल रन, ओके, बाय द एंड ऑफ द ईयर 2021 कुछ भी हो सकता है। दैट्स इट गाइस, यही बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपके साथ आने वाले टाइम में ना बहुत सारे जेम कॉइंस लेकर आने वाला हूँ, मेरी लिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है नेक्स्ट वीडियोस। मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना इस चैनल को, मेक श्योर सब्सक्राइब, प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि उनको भी कुछ ना कुछ अर्निंग करने का मौका मिल सके। ओके, दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।